तो अब आ जाते हैं अंश एक पे। कवियत्री कल्पना करती हैं कि मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत होते हैं, वे भय से चीखते चिल्लाते भी हैं, वे भी बचाव के लिए पुकारते हैं। जैसे हम भयानक सपने देखते हैं तो डर कर चिल्ला के उठ पड़ते हैं, वैसे पेड़ों के भी सपने आते हैं। वे सपने बड़े भयानक हैं, उनके सपनों में चमकती हुई कुल्हाड़ियों को काटने के लिए तत्पर है और पेड़ इन कुल्हाड़ियों के डर से चीख रहे हैं। कविता की इन पंक्तियों में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। कवियत्री पेड़ों के पक्ष में ये सवाल पूछ रही है। उसके सवाल उस सभ्य समाज से हैं जो पेड़ों के साथ नहीं जीता बल्कि पेड़ों को अपने उपयोग के लिए नष्ट करता है। ये प्रश्न हम सभी से किए गए हैं। तो उसमें बताता है कि जैसे हमें कुछ डरावने सपने आते हैं तो हम डर के उठ जाते हैं और हमको लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके हम फिर शुक्र मनाते हैं कि चलो जो ये था जो सपना था। लेकिन पेड़ों के साथ ऐसा नहीं होता है। पेड़ों को एक्चुअली में काटा जाता है और उनको कितना भय नहीं होता होगा। और जैसे हम अपने सपने से इतना डर जाते हैं, उनके साथ तो वो उस चीज़ को महसूस करके वो डरते तो होंगे ही, उसके बावजूद उनके साथ जब वो असली में होता होगा तो उनको कितना कष्ट नहीं होता होगा। उसके बाद बताया गया है कि पेड़ों को अपने उपयोग के लिए हम जो इतना नष्ट करते हैं ये कहाँ तक सार्थक है, ये कहाँ तक सही है। हम सभ्य समाज के बोलते हैं हम अपने आप को, लेकिन हम तो इस तरह से अपने आसपास की प्रकृति को नष्ट किए जा रहे हैं, तो हम किस तरह के सभ्य लोग हुए। कविता में इस दृश्य की कल्पना की गई है लेकिन वास्तविकता में ये केवल कल्पना नहीं बल्कि सच है। इन पंक्तियों में एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई है। ये चिंता है घटते हुए वृक्ष, घटती हुई हरियाली और मानव जीवन पर इसका विनाशकारी प्रभाव। सोचिए कि इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। हम भय से चित्कार करते पेड़ों को कष्ट से कोई सरोकार नहीं। हम बस अपने स्वार्थ में अंधे हैं। भविष्य और दूसरों की चिंता किए बिना चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा भोग लेने और उपभोक्तावादी प्रवृत्ति आजकल इंसानों में बढ़ती जा रही है। इस आदत का कुप्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। यह प्रकृति विरोधी रवैया पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित। तो हम जो प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते हैं, प्रकृति के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और जो दिखाया गया है कि पेड़ों के जो ये कल्पना है, ये एक्चुअली कल्पना नहीं है, ये सच में होता है पेड़ों के साथ। तो हम इन सब और इस सब दुख का, पूरी पृथ्वी के दुख का जिम्मेदार है कौन? हम ही हैं। हम इंसान ही हैं जो हमको हर चीज़ में हर एक नए घर में एक नया टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, डाइनिंग सेट चाहिए, और आपका वो ले लो क्या बोलते हैं बेड को क्या बोलते हैं दीवान और खट और ये सब चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका आपकी ज़रूरतें तो कभी कम नहीं होंगी। आपको अगर एक रहने के लिए बेड मिल जाएगा तो आपको दूसरा चाहिए। एंड सही में बता रही हूँ, हमारे घर पे आई थिंक 2 साल से बात चल रही है कि एक नया बेड ले आते हैं, बट मैं वही ज़िद पे अड़ी हुई हूँ कि बेड तो नया नहीं आएगा, बस ये जो है यही रहेगा। तो बस इतनी सी चीज़ें करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। आप अगर 4 बेड कम, मतलब अगर 4 जनों ने भी इतना कर दिया ना, तो 4 बेड के लिए 4 पेड़ कम कटेंगे और वो पेड़ ज़िंदा रहेंगे, हमको ज़िंदगी भर ऑक्सीजन देंगे हमको। और हम सब इन वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, हम सब इस चीज़ में एक साथ हैं, हम इसमें एक साथ ही फंसे हुए हैं। तो इसमें हम जो ये प्रकृति विरोधी रवैया है, हम बोलते हैं हम नेचर से प्यार करते हैं, फ़ोटोज़ ले लेंगे, नेचर लवर ये वो, लेकिन हम कितने हद तक एक्चुअली में ऐसा काम करते हैं जो कि पेड़, मतलब एक्चुअली में कह सकते हैं कि पेड़ हो चाहे अपने आसपास के सराउंडिंग सोर्स में जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उसमें एक्चुअली में उनकी रक्षा करें।
सही मायने में मनुष्य वह है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर भय से चीखते पेड़ों के दुख को महसूस करे और उन्हें बचाने का प्रयास करे। इसीलिए कवियत्री प्रश्न करती है, क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? आप समझ गए होंगे कि यह वास्तव में प्रश्न नहीं, उत्तर भी है। कई बार हम किसी बात के आग्रह के लिए उसे प्रश्न के रूप में रखते हैं। कवियत्री का आग्रह है कि हम भयभीत पेड़ों की चित्कार महसूस करनी चाहिए हमें, और वैसे भी पेड़ों पर आया संकट मनुष्यता पर घिरा संकट है, और इस तरह पेड़ों का भय वास्तव में मनुष्य का ही भय है। आखिर पेड़ नहीं रहेंगे तो मनुष्य रहेगा क्या? तो इससे हमें बहुत ही इजी वर्ड्स में बताया गया, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ आपको बाहर का इन्फॉर्मेशन दूँ कि एक्चुअली मैं आप इस चीज़ को और कैसे समझ सको, ना कि वही सेम चीज़ें रिपीट करती रहूँ। तो हिंदी के चैप्टर का सौंदर्य ही यही है कि इतने खूबसूरत चैप्टर्स हैं जो कि हमको और अच्छा मनुष्य बनाने में सहयोग करते हैं। और कवित्री ने भी इस चैप्टर में बहुत ही सुंदरता से बताया गया है कि उन्होंने बात नहीं बताई है, उन्होंने हमसे प्रश्न किया है, उन्होंने हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला है कि खुद अपने आप से पूछो क्या तुम्हें नहीं दर्द होता तुम्हें जो। तो हम जब अपने आप से सवाल करते हैं ना तो हमें वो चीज़ बहुत अंदर तक पहुंचती है वो हमारे, और हमें एक्चुअली में लगता है कि यार सही में हम कितना ध्यान रखते हैं पर्यावरण का, हम कितना सोचते हैं इस बारे में। हम बस भागदौड़ में ही व्यस्त हैं कि मुझे इंस्टाग्राम पे इतने लाइक्स नहीं मिले, या फिर मेरा पोस्ट इस दोस्त ने शेयर नहीं किया, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तुम्हारे पास इतना समय कहाँ है, तुम्हें तो बचाना है इस दुनिया को, कहाँ इस फालतू चीज़ों में अपना दिमाग ख़राब करो। बस कुछ नहीं, दूसरों के पिक्चर्स लाइक कर दो, दूसरों के कुछ पोस्ट्स में कमेंट कर दो, बस ख़त्म करो, सोशल मीडिया ऐप्स बंद करो। इतना क्यों फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? जितना ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी से फ़र्क डालोगे उतना ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें नहीं है, और फिर तुम चीज़ें लाने की कोशिश करोगे जिसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान होगा। तो क्यों करना है ऐसी चीज़ें? फिर आता है कवियत्री ने पेड़ के अंगों में मानव अंगों की कल्पना की है। कविता में की गई कल्पना हम दूसरों के दुख से जोड़ती है, हमें दूसरों की सहानुभूति रखना सिखाती है और अधिक संवेदनशील बनाती है। यह कविता हमें प्रकृति के दुख से जोड़कर अधिक सजग और उदार मनुष्य बनाती है। तो हमें क्या पता चलता है कि हमें ऐसे इंसान बनना चाहिए जो एक्चुअली और बहुत ही एथिकली दिमाग लगाए इस बारे में कि हम कितना ध्यान रख रहे हैं अपने आसपास के चीज़ों का, और हम कितना उनके बारे में सोचते हैं, और हम कितना उनकी तरफ उदार हैं, हम कितना उनकी तरफ काइंडनेस दिखाते हैं, हम कितना ये सोचते हैं कि हमें इसकी तरफ एक दया की भावना रखनी चाहिए ताकि हम उसका और ज़्यादा सहयोग कर सके कि वो ज़िंदा रहे, अपनी आपकी जो हरी भरी प्रकृति है और वातावरण है। तो इसी तरह से हम अच्छे मनुष्य भी बनते हैं, हम ये गुस्सैल चिड़चिड़े और हमेशा दूसरों को अपने से कम समझने वाले मनुष्य ना बनके ऐसे मनुष्य बनते हैं जो दूसरों की कदर करता है, जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो जेलसी और किसी और से जलने की बजाय वो इंसान उसकी ज़िंदगी में है इस बात की खुशी मनाता है। आपने यह महसूस किया होगा कि वर्षा होती है तो पेड़ साफ़ सुथरे हरे भरे हो जाते हैं, जब हवा चलती है तो पेड़ प्रसन्न होकर झूमने लगते हैं। क्या आपने पेड़ों में मनुष्य की कल्पना नहीं की? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेड़ों की टहनियाँ आपको उनके हाथों सी लगी हो? कवियत्री ने इन पंक्तियों को बहुत मार्मिक यानी मन को छू लेने वाले कल्पना की है। पेड़ कुल्हाड़ी की चोट की आशंका से भयभीत होकर बचाव के लिए पुकारने लगते हैं। पेड़ की कांपती हुई टहनियाँ मानव बचाव के लिए पुकारते उसके हजारों हाथ हैं। मानो वे हमारे और उठे हैं और हमें पेड़ को बचाएं। कवियत्री चाहती है कि हम पेड़ों के प्रति संवेदनशील हों और उन्हें कटने से बचाएं। अगर हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, हम ऐसे उनके बारे में जानेंगे कि उनके जो
हाथ हैं वो हमें पुकार रहे हैं कि हम उनकी मदद करें, हम उनकी रक्षा करें, और हम ऐसी चीज़ें ना करें जैसे कि ऐसी चीज़ें बनाने के ऑर्डर्स ना दे। हर एक चीज़ जो हम जाके ख़रीदते हैं ना, वो मार्केट में एक चीज़ कम होती जाती है और उस चीज़ का ऑर्डर मिलता है कि लाइक इस चीज़ को बनाओ। तो अब ध्यान से सोच के कोई भी चीज़ को ख़रीद के लाना, क्योंकि आपका वो एक चीज़ शायद आप एक ला रहे हो तो उसी तरह से बहुत सारे लोग को एक एक करके कितना शायद 1,000, 2,000, 1,000,000, 1,000,000,000 में चीज़ें लाते होंगे सेम चीज़ को, और जिसकी वजह से वो उसके ऑर्डर्स फिर बढ़ते जाएंगे, उसके लिए उतने ही रिसोर्सेज की, उतने ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, शायद पेड़ों को काटने की ज़रूरत पड़े और उतने ही पेड़ कटेंगे, उतना ही उसके पीछे जो मशीन्स प्रोसेसिंग करेंगी तो उससे उतना ही गद्दा पानी निकलेगा, या फिर उससे उतना ही पर्यावरण को नुकसान होगा, या फिर उससे उतना ही पोल्यूशन प्रदूषण निकलेगा जिस जो हवा में जाके मिलेगा। तो हर तरीके से आप हर एक चीज़ जो खरीदते हो, हर एक चीज़ जो करते हो, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हो आपकी खुद भी नहीं जानते। उसके बाद आ जाता है कि जब हमारे कोई आत्मीय छोड़कर चला जाता है तो बेहद पीड़ा होती है, वैसे ही पीड़ा किसी पेड़ के कटने पर भी होनी चाहिए, क्योंकि उन पर हमारा जीवन निर्भर है, वे हमारी जीवन शक्ति है, उनमें भी जीवन होता है। अतएव किसी पेड़ को कटकर धरती पर गिरने पर उसकी आवाज़ उसी तरह ठेस पहुँचाएगी मानो हमारा ही कोई हिस्सा कटकर गिर गया हो। धरती पर मजबूती से खड़ा, हवा की स्पर्श से झूमता हुआ पेड़ कितना अच्छा लगता है, लेकिन वही पेड़ जब धरती पर गिर जाता है तो हमें कितना आघात पहुँचता है। क्या हम सभी के लिए इस चोट को महसूस करना ज़रूरी नहीं है? तो हमको ये पता चलता है कि हम जब हमारा कोई बहुत ही प्यारा इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। इवन छोड़कर जाने की बात तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई इंसान जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो आपसे दो दिन बात ना करे तो आप कितने परेशान हो जाओगे, खुद सोचो। क्या ऐसा नहीं होगा जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा? शायद आप ऐसे लोगों से बात किए बिना दो दिन रह सकते हो, बहुत दिन रह सकते हो, लेकिन आपको उस वक्त कितनी पीड़ा होती है। तो सोचो जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा साफ, या जो कि पेड़ ही बनाते हैं हमारे लिए, तो कितनी पीड़ा होगी। प्राणवायु इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसके लिए हमको पेड़ों को बचाना है, उनको ऐसे एक्सप्लॉइट होने नहीं देना है। और ज़रूरी नहीं है कि जाके आप हर टाइम जब पेड़ कट रहे हो तो जाके बोलो कि नहीं पेड़ मत काटो। ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है कि घर पे सोफ़ा की ज़रूरत नहीं है तो नहीं लाना है सोफ़े, और अगर घर पे बेड की ज़रूरत नहीं है नहीं लाना है, अगर दूसरे टेबल्स और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो नहीं लाना है। सोचो अगर आप ऐसी चीज़ें थोड़ा भी करने लग जाओगे तो एक्चुअली में वो वुड जो है वो कहाँ यूज़ हो सकता है? वो उन बच्चों के लिए यूज़ हो सकता है जो कि पढ़ाई के लिए उनके पास डेस्क नहीं है। चलो डेस्क तो पूरा बनाना पड़ता है, टेबल चेयर और वैसे बनाना पड़ता है, वो छोटे डेस्क नहीं होते। अगर हम उतना भी कर सके, हम वो छोटे डेस्क बना के भी भिजवा सके उन एरियाज़ में जहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए डेस्क नहीं है, तो वो नीचे बैठकर एटलीस्ट डेस्क पे तो लिख सकते हैं, उनके कमर वमर दर्द नहीं होगा क्योंकि उनको ऊपर बैठे, वो छोटे वाले डेस्क होते हैं ना जो फोल्डिंग वाले। तो हम इन सब चीज़ों में एक्चुअली में यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम अपने जो घर पे भरते जाएं फर्नीचर, फिर उनको जब ज़्यादा हो जाते हैं फर्नीचर तो उसको अगर आपका शिफ्टिंग होता है तो फिर आपको वो लेने में प्रॉब्लम होता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं फर्नीचर ज़्यादा होता है अब इसको बेच दो। कहीं कुछ रहने के लिए आपको पता होता भी है नहीं भी पता हो, आप कहीं पर रहने गए हो, घर बसाने गए हो, ट्राई करो कि नहीं ज़रूरत है चीज़ें तो नहीं लानी। क्यों नॉर्मल सो ना, जैसे पहले के ज़माने में लोग के नीचे सोते थे, आपको घास पे सोने के लिए कौन बोल रहा है, ना गद्दे डालो आराम से सो। जो मैट्रेसेस डलवाते हो अपने मतलब पूरा वो बेडिंग पे, वो आप वैसे भी डाल के सो सकते हो, मैट्रेस तो मैट्रेस ही रहने वाला है, सोना ही है उस पर। तो सर जो एक्चुअली में जिनके पैरों में दर्द है और ऐसे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो चलो बनता भी है कि हाँ वो लोग नहीं उतर सकते चढ़ सकते, और उनके लिए अपने आप को फिट रखो ना कि आपको वैसी नौबत ना, और आप बार बार मतलब बाद की ज़िंदगी में आपके लिए भी ईजी हो जाएगा और आप एक्चुअली में आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो कितने सारे आइडियाज़ है, देखो हमारे
पढ़ाई करने का फ़ायदा ये है कि हम लोग बहुत सारे आइडियाज़ भी डिस्कस करते हैं इन वीडियोस में, और मैं केवल पढ़ाना नहीं चाहती, मैं आपको चाहती हूँ कि आप खुद सोचो कि आप अपनी लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हो कि आपका एक छोटा सा चेंज भी इस दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले। चलो अब आते हैं ये भी जानिए पे, प्रकृति की आवश्यकता से अधिक उपयोग करने वाला और प्रकृति के को होनी हानि पहुंचाने होनी पहुंचाने हानि पहुंचाने वालों के विरोध का लंबा इतिहास हमारे देश में रहा है। आइए इस संबंधित कुछ बातें जानें। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो, का नाम तो सुना ही होगा कि आप जानते हैं कि इस आंदोलन हिमालय पर स्थित गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले के एक गाँव रेणी ने शुरू हुआ था। इस गांव की एक साधारण सी दिखने वाली महिला गौरा देवी ने वनों की महत्व और प्रकृति की पीड़ा को समझ लिया। ठेकेदार के आदमी नीलाम हुए 2451 हाँ पेड़ों को काटने के आए थे। गौरा देवी ने उनसे कहा कि यह जंगल और ये पेड़ हमारे देवता हैं और इन पर हमारा जीवन आश्रित है, इसीलिए इन्हें नहीं काटने देंगे। यह कहकर गौरा देवी ने और उनकी सहेलियों ने पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई। यही चिपकना चिपको आंदोलन बन गया। इस आंदोलन का नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बायर, मिट्टी पानी और बायर जिंदा रहने का आधार, पानी और बयार। चलो मुझे बयार का पता नहीं, सॉरी बायर पढ़ा मैंने उसको, बयार है तो बयार का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। आप भी ढूंढ लेना, मैं भी ढूंढूंगी, अगर मिलता है तो कमेंट सेक्शन पे लिखना। सन 1987 मैं इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किया गया। चिपको आंदोलन की लोकप्रिय बनाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा विश्व भर में वृक्ष मित्र वाह ये उनका नाम दिया गया, ये याद रखना है, बहुत काम आएगा ये वर्ड, वृक्ष मित्र का नाम से प्रसिद्ध हुए। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना था, गौरा देवी जी का नहीं सुना था, उन्होंने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छी बात है ये जानना चाहिए, पर सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब उनका गौरा देवी का नाम सुन के अच्छा लगा, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम मैंने सुना था। आइए अब हम बूढ़ी पृथ्वी के दुख अंश दो आ गया, ठीक है, आइए अब बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का दूसरा अंश फिर से पढ़ें। यह अंश किसके दुख की को व्यक्त करता है? जी हाँ, हमारी धरती के जीवन रेखा अर्थात नदियों के दुख। जिस तरह पेड़ अपने फूल दूसरों को देते हैं, वैसे ही नदियाँ भी अपना जल दूसरों को सौंपती है। वो अपने लिए नहीं रखते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं। वे अपने जल के रूप में हमें जीवन देती है और हम उन्हें ही बर्बाद करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी नदियों में गिराया जाता है, जैसा कि मैंने बताया केमिकल्स, और वैसा चाहे केमिकल वाला पानी हो, चाहे कोई मतलब जो चीज़ें मैन्युफैक्चरर करने के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है वो हो, तो ये सारी चीज़ें जाके नदियों में जाती है। और आप खुद सोचो कि आप अगर हर एक फेस्टिवल्स में जो आपको नए कपड़े चाहिए, हर एक चीज़ जन्मदिन पे चाहिए, न्यू ईयर पे चाहिए, तो ये सब जो आपको जो हमेशा जो नए कपड़े चाहिए वो भी सिंथेटिक कपड़े, ये भी नहीं कि कॉटन कपड़े, ट्राई करो कि आप अब से ना ऐसी चीज़ें पहनो जो कि पर्यावरण से मिलती जुलती हो। तो एक तो पहली बात है वो पच जाएगा जल्दी, बायोडिग्रेड हो जाएगा जल्दी, और उसके साथ साथ वो बहुत जल्द कह सकते हैं कि मतलब उसको बनाने के लिए भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सिंथेटिक जो चीज़ें बनती हैं उसमें कितने केमिकल्स नहीं यूज़ होते हैं और वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इवेंचुअली क्या होता है, और हम उसको कुछ दिन पहन के तो उसका थोड़ा कलर फेड हो जाए या कुछ हो जाए, और सिंथेटिक कपड़ों का तो वो भी नहीं होता, तो हम ऐसे ही दे देते हैं या थोड़ा सा फट जाए तो हम उसको फेंक देते हैं, फिर क्या होगा? सोचो उन सब चीज़ों का ढेर बना है, अगर आपकी पूरी कॉलोनी में जितने कपड़े हैं सबके पास उनका ढेर बना है और फिर वो चीज़ें काम की जो नहीं है उनको जलाया जाए, तो कितना एयर पॉल्यूशन भी होगा
और नहीं तो अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, हम जैसे फेंक देते हैं, तो उससे लैंड पोल्यूशन होता है। और उन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो पानी का इस्तेमाल साफ़ करना हो, चाहे बाकी उसमें केमिकल्स यूज़ करने हो, तो वो सारे कितना गंदा पानी भी उसके लिए यूज़ होता है। तो ट्राई करो कि आप जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल क्लोथिंग, इसके बारे में एक बार सोच मारना। और आई विल गारंटी यू कि आपको इससे रिलेटेड जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, बहुत सारा वीडियोस हैं, बहुत सारी हिंदी होंगी, इंग्लिश होंगी, मोस्टली इंग्लिश में मैंने देखी हैं, पर हिंदी की भी अच्छी होंगी, नहीं देखा है देखते हैं। पर इससे क्या होगा, इससे आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि आप कि जो छोटे छोटे चॉइस है कि मेरे को हमेशा एक नया कपड़ा चाहिए और किसी में बटरफ्लाई बना हुआ है, किसी में कुछ बना हुआ है, तो इसीलिए मुझे वो चाहिए, इसमें प्रिंसेस जैसी दिखूंगी, उसमें बारबी डॉल जैसी दिखूंगी, इस सब चीज़ों से हटकर एक बार ये सोचो कि आपके जो कपड़े हैं वो एक्चुअली में कितना ज़्यादा पर्यावरण के हिसाब से इको फ्रेंडली है। तो जब आप इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करके एक अच्छी चॉइस करोगे ना, आप दूसरों के भी एक एग्जांपल बन सकते हो। सोचो आप इतने अपने छोटे छोटे चॉइसेस की वजह से आप दूसरों के लिए एग्जांपल बन सकते हो कि आप कितने लाभकारी हो इस पूरी दुनिया के लिए। और आप उन मतलब तमाम 1% शायद लोग या 5% लोगों में से हो जो दुनिया को एक्चुअली में बचाने की सोच रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वैसे भी लोग हैं, और वो सच्चे मायनों में पेट्रियाटिक नहीं है। पेट्रियाटिक तो शायद देशभक्त हो जाता है, बट वो सच्चे मायनों में नेचर लवर्स नहीं है। नेचर लवर्स ना कि फोटोग्राफी करने वाले, नेचर लवर्स ये हैं जो सच में बचाने की कोशिश करते हैं। और हमारे जो कलरिंग में यूज़ होता है ना, वो एक्चुअली नेचुरल कलर्स भी होते हैं, जो कि आई थिंक हल्दी और उसी तरह से अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके बनता है। एक मैंने गुजरात का भी वीडियो देखा था कि नेचुरल प्रिंट्स ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, उस पर एक वीडियो देखा था। तो एक इको इंडिया करके चैनल है, उसमें बस बहुत सारी चीज़ें आती है, तो आई रियली सजेस्ट कि आपको वो चैनल बहुत देखना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसी तरह बहुत सारे चैनल्स हैं। अब जितना इस चीज़ के बारे में अब आपको आज पता चला, तो आप जितना इस चीज़ के बारे में सर्च करते जाओगे ना, आपके ज़िंदगी आप उतनी ही खूबसूरत बनाते जाओगे। तो आगे पढ़ लेते हैं कि आपने देखा कि बड़े बड़े कारखानों में गंदा पानी गिराया जाता है, कूड़ा भी नदियों में डाला जाता है, श्रद्धा तथा धर्म के लोग भी नदियों में ऐसी चीज़ें बहाते हैं जिनसे नदियाँ गंदगी से भर जाती हैं, प्रतिबंध के बाद भी साबुन लगाकर नहाते हैं, जो नदियों को कभी स्वच्छ पानी को लेकर कल कल करती बहती थी, आज वो गंदे नाले बनकर रह गई हैं, कवित्री इस बात का से दुखी है। तो कवित्री का ये सब दुख है, केवल कवित्री का क्या है दुख है, हमको जब तक ये चीज़ें पता नहीं थी तब तक वो कवित्री का दुख थी। अब जब हमें ये सब चीज़ें पता है तो ये हमारा दुख भी होनी चाहिए, क्यों? आपके माँ बाप का जब दुख आपका है, जब आपके बाकी के लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, जब उन सब का दुख आपको लगता है ना, बुरा लगता है ना, जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो क्यों आपको बुरा नहीं लगता जब आपके आसपास की प्रकृति के साथ बुरा सलूक किया जाता है, जब आपके पर्यावरण के साथ बुरा सलूक किया जाता है? तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए गए हैं जिससे हम प्रदूषण फैलाते हैं पानी के अंदर। और वो हम सब से पूछती है कि सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढाप किस कदर रोती है नदियाँ, ऐसा लगता है कि कवित्री नदी का रोना सुना है, नदी के साथ वो खुद भी रोती है। जिनका जीवन नदियों, पेड़ों और वनस्पतियों पर सीधे सीधे निर्भर है, वो इनकी दुर्दशा पर दुखी होते हैं। कवित्री उसी दुख का बोध शहरी लोग और शिक्षित नागरिकों को कराना चाहती हैं। यहाँ पर पेड़ की तरह नदी का भी मानवीकरण किया गया है। मनुष्य जब किसी गहरी पीड़ा से ग्रस्त होता है तो उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं होता, तो वो एकांत में सिसक सिसक कर रोता है। नदी भी ऐसा ही करती है, वो मुंह ढाँप कर रोती है। नदी भी तो आंतरिक रूप से पीड़ित है, उसकी पीड़ा यह है कि वो हमें जीवन देने के लिए अपना जल हमें दे देती है और हम हैं कि उसे नष्ट कर रहे हैं। यहाँ
पर नदियों के घटते पानी उनमें बढ़ते प्रदूषण के को लेकर दुख प्रकट किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो आसपास जो नदी है उस वो हमारे कितनी ज़्यादा पीड़ाएं सह रही है, कितने अलग अलग तरीके से हम उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जबकि वो हमको पीने का पानी या हमारे बाकी ज़रूरतों के लिए जल देती है। और सोचो बस एक हफ्ते तक आपके यहाँ जल ना आए और आपको मतलब आपकी सोसाइटी में जल ना आए, क्या आप वो ऐसा सिचुएशन सोच भी सकते हो? तो सोचो उस नदी और शायद नाले वाला पानी का होना ना होना एक बराबर ही है, ऊपर से उसमें से जो गंध आएगा वो अलग, तो और उसकी वजह से डिजीजेस होंगी वो और अलग। तो इससे पता चलता है कि हम जो दूसरी मतलब अपने पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं, बस हम ही नष्ट होने वाले हैं फाइनली। तो उसी तरह से इसमें भी मानवीकरण करके उसका जो दुख बताया गया है कि वो हमें कुछ तो कह नहीं पाती नदियाँ, खुद ही अकेले में रोती होंगी। कविता के इस अंश में नदी के दो किनारों का चित्रण किया गया है। एक किनारा वह है जहाँ पर कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने मवेशी तथा आजीविका के लिए पाले जाने वाले पशुओं को नहला रहा है और कोई साबुन से अपने मैले कपड़े धो रहा है, इस प्रकार वे दोनों नदी के जल को गंदा कर रहे हैं। दूसरे किनारे पर कोई प्यासा पानी पी रहा है और कोई स्त्री किसी देवता को अघर्य दे रही है, अर्थात देवता को जल चढ़ाकर पूजा कर रही है। आप जानते हैं कि पीने का के लिए साफ पानी की ज़रूरत है, देवता को चढ़ाए जाने वाले जल भी स्वच्छ एवं पवित्र होना चाहिए, किंतु ऐसा प्रदूषित जल पीना हानिकारक होगा और भला देवता को भी गंदा जल कैसे चढ़ाया जा सकता है? इसीलिए पानी को प्रदूषित करने वाला लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि नदियां अथवा पानी के साथ उनके द्वारा किए गए व्यवहार और दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। कवित्री ऐसे लोगों से प्रश्न पूछकर उन्हें पानी के साथ किए गए व्यवहार के लिए शर्मिंदा करना चाहती हैं। तो हमको पता चलता है कि हमें हम कैसे कैसे मतलब एक तरह से हमको उस जगह पे रखने की कोशिश की जा रही है। सोचो ये अपने क्या एनिमल्स को धोना या फिर कपड़े साफ करना, कपड़े साफ करके साबुन बहाना, ये तो बहुत छोटे छोटी चीज़ें हैं, ये तो कम करनी ही चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि जब अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वॉशिंग करने में और बाकी सब चीज़ों में, पानी की अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन बड़े पैमाने पर और कितना ज़्यादा हम पानी को वेस्ट और प्रदूषित पल्यूट नहीं कर रहे होंगे। तो आई थिंक भाषा तो आसान है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को समझें, आप पढ़ के समझ सकते हैं और समझ के उसके लिए कुछ करें। और यह कविता हमें कई बातों को सोचने पर प्रेरित करती है। कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं जिन पर हम दूसरों का भी अधिकार है। क्या आप जानते हैं कि हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक के अधिकारों के साथ दूसरे के भी अधिकार जुड़े होते हैं, इसलिए अधिकार कुछ कर्तव्यों की भी मांग करते हैं। इस बात को आप आज़ादी नामक कविता में पढ़ रहे हैं, उसमें आज़ादी का वास्तविक अर्थ समझाया गया। तो आज़ादी नामक कविता में इसमें हम पढ़ते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है? आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार के बारे में बात की जाती है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। हम फंडामेंटल राइट्स पे तो हमारे एक्सप्लॉयटेशन होता है, हम पहले आवाज़ उठाते हैं, हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी निभाते हैं? हेरिटेज साइट पे जाते हैं तो हम हेरिटेज साइट्स का कितना ध्यान रखते हैं, और भी बाकी जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कभी ना सच में जाके अपनी ड्यूटीज़ के बारे में सोचना अपने ऐसे, और मुझे लगता है कि आप एक्चुअली में बहुत जागरूक लोग होंगे तभी आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तो बहुत से लोग हैं जो कि अपनी टाइम वेस्ट कर रहे होंगे अपना। तो आप अगर इतने जागरूक हो तो क्यों ना आप और थोड़े जागरूक बनो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, अपने राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ भी पढ़ो और उन ड्यूटीज़ को निभाने की कोशिश करो।
आप समझ गए ना कि चीज हम जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी है उन पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भी है। हो सके तो प्रकृति द्वारा दी गई संपत्ति में बढ़ोतरी ही करनी चाहिए, इससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करते हुए खुश होंगी और वे प्रकृति के साथ सही वही व्यवहार करेंगी, और हम जो सिखाएंगे अपने आने वाली जनरेशन को, बच्चों को, वो वही सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका खुद का बच्चा होना चाहिए तो ये आप सिखाओ, आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके आसपास जो बच्चे हैं आप उनके साथ भी अगर बैठ के थोड़ा टाइम उनके साथ बिताते हो और उनको अच्छी चीज़ें सिखा सकते हो, तो आप नहीं जानते कि आप उस इंसान को बचपन से ही तैयार कर रहे हो एक ऐसी चीज़ को करने के लिए जो कि उसको ज़िंदगी भर करनी चाहिए। तो सही एजुकेशन अगर आप लोगों को दे सकते हो, बच्चों में बांट सकते हो, और बच्चों तो जो बचपन से सीखते हैं वही पूरी ज़िंदगी भर वो उनका मेंटालिटी वैसा रहता है, तो ट्राई करो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, और आपका जितना योगदान आप दे सकते हो उतना। तो कविता के इस अंश में के माध्यम से कवियत्री हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाती है। हमारा कर्तव्य है कि हम नदियों को साफ रखें, उन्हें सूखने से बचाएं, जल के अन्य स्रोतों जैसे तालाब, झील, कुएं आदि का बढ़ावा दें, ताकि नदियों पर निर्भर कम हो और उसमें पानी बना रहे। हम जब भी पानी का उपयोग करें तो याद रखें कि इसकी ज़रूरत औरों को भी है। संसार की बहुत बड़ी आबादी प्रदूषित पानी के उपयोग करने के लिए विवश है। विश्व में प्रतिदिन लगभग 25,000 लोग पानी से होने वाले रोगों से मारे जाते हैं। तो ये NIOS के चैप्टर्स मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगते हैं क्योंकि उसमें इंसाइट्स बहुत होते हैं, उसके बारे में बहुत चीज़ें बताई जाती हैं, और NIOS का ये चैप्टर तो मुझे खासकर बेहद पसंद आया क्योंकि इसमें हम कितना ज़्यादा अपनी प्रकृति से मिल नहीं गए, और हमें अपना जो टाइम वेस्ट हो रहा है, बोर लग रहा है, अभी COVID-19 सिचुएशन है चाहे इसके बाद भी, तो हाँ क्या करूँ मैं, मुझे पास कुछ करने के लिए नहीं चाहिए, तो तब हम एक्चुअली में रिसर्च कर सकते हैं कि हम पर्यावरण के लिए क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, और उससे जुड़े हर एक अपने ज़िंदगी के हर एक स्टेप पे उससे जुड़े निर्णय ले सकते हैं। चाहे आप और एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि आप प्लास्टिक के बॉटल्स और ये सब टिफिन यूज़ करते हो, तो वो ना यूज़ करके आप स्टील के टिफिन भी आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो, जिससे कि वो सेम यूज़ तो सेम ही होगा उसका, पर एटलीस्ट वो स्टील का वापस से कुछ बनाया भी जा सकता है, और वो प्लास्टिक के जैसा बस कहीं पे जाके वेस्ट बन के रहेगा नहीं, या फिर उसको अगर जलाया जाएगा तो वो मतलब धुआं धुएं से ख़राब नहीं कर प्रदूषित नहीं करेगा।